नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिमानी हलचल खबरों के समय, मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। रोजगार कार्यालय में किया गया रोजगार मेले का आयोजन, 70 से 80 विद्यार्थियों ने लिया भाग। बाल शिक्षा निकेतन स्कूल में किया गया एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन। खिलाड़ी सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। लंबित मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर उपायुक्त को सौंपा मांग पत्र। और अब खबरें विस्तार से। जिला रोजगार कार्यालय में लगाए गए रोजगार मेले में साक्षात्कार के लिए लगभग 70 से 80 युवा पहुंचे। मेले में पहुंची SBI लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा और श्री गणपति बायोटेक कंपनी के अधिकारियों ने अपने संस्थान की जरूरत के अनुसार युवाओं का चयन किया। कार्यालय सुपरिंटेंडेंट सुमन लता ने बताया कि रोजगार देने के लिए प्रति माह इस तरह के 2 से 3 बार मेले लगाए जाते हैं। विद्यार्थियों को रोजगार दिलवाने के उद्देश्य से DC कॉलोनी भिवानी स्थित जिला रोजगार कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में SBI लाइफ इंश्योरेंस, गणपति बायोटेक कंपनी और कोटक महिंद्रा कंपनियां शामिल हुई। जिला रोजगार कार्यालय में कार्यरत डिप्टी सुपरिटेंडेंट सुमन लता ने बताया कि लोकल में ही विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं तथा महीने में 2 से 3 बार रोजगार कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है ताकि ज्यादा संख्या में विद्यार्थी रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सके। वहीं उन्होंने बताया कि मेले में 70 से 80 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने यह भी कहा कि रोजगार मेले में अधिकतर इंश्योरेंस कंपनियां शामिल होती हैं, जो विद्यार्थियों को रोजगार प्रदान कर उनके भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करती हैं। मैं यहाँ रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आया हुआ हूँ और यहाँ पे रोजगार मेला लग रहा है। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमें घर बैठे रोजगार मिल रहा है। बतेरी देवी नाम है जी, चांग गांव से आई हूँ। भिवानी रोजगार कार्यालय में मैं अपना फार्म रोजगार के लिए भरने के लिए आई हूँ। रोजगार कार्यालय में मैंने अपना फार्म अप्लाई किया और ये मेरा सिलेक्शन भी हो गया। क्या करेंगे घर बैठे? घर बैठे ही ये रोजगार कार्यालय का काम मिल जाएगा। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार मलिक है, मैं श्री गणपति बायोटेक कंपनी में एज ए जनरल मैनेजर हूं और हमारी कंपनी रोजगार विभाग से कैंडिडेट लेती है और हम जो बच्चे लेते हैं उनसे बायो फर्टिलाइज़र प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए लेते हैं और उनको बायो के बारे में बताते हैं। और बायो फर्टिलाइज़र का काम हमारा 10 साल से है और अच्छे बच्चे जो हम चुन के लेके जाते हैं। मेरा नाम सुमन लता, मैं रोजगार कार्यालय में डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हूँ और हमारे आज दिनांक 23/2/2024 को एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 3-4 कंपनियों ने भाग लिया, जैसे SBI इंश्योरेंस और कोटक महिंद्रा, अन्य कंपनियों ने भी भाग लिया। इसमें सैकड़ों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें बहुत ही अच्छा रहा, सिलेक्शन भी काफ़ी बच्चों का किया गया। इस तरह रोजगार कार्यालय में बार बार समय समय पर मेले लगाए जाते हैं, महीने में 2-3 बार तो हो ही जाता है। कंपनी अपने जैसे ही बच्चे चाहिए वैसे ले कर जाती है और ये इंश्योरेंस की ही कंपनी आती है हमारे पास। गांव सावर के बाल शिक्षा निकेतन स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने दौड़, रस्साकसी, फुटबॉल इत्यादि विभिन्न खेलों में अपना दमखम दिखलाया। फर्स्ट, सेकंड व थर्ड पोजीशन प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मेडल्स के साथ प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। स्कूल निदेशक शिव कुमार भारद्वाज ने बताया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समय समय पर इस तरह की प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं।
पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन समय समय पर किया जाना चाहिए, यह कहना था गांव सावड़ स्थित बाल शिक्षा निकेतन स्कूल के डायरेक्टर शिव कुमार भारद्वाज का। वे स्कूल में आयोजित एनुअल स्पोर्ट्स मीट को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, रेस, रस्साकसी, वॉलीबॉल व फुटबॉल में बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। एनुअल स्पोर्ट्स मीट में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी रहा। फंक्शन जो कराते हैं बच्चों का हौसला बढ़ाएंगे, इस बार पढ़ाई के साथ साथ हम चाहते हैं कि बच्चों का खेलों में अंदर भी उत्साह होना चाहिए जिससे शरीर का विकास हो। इसलिए ये प्रोग्राम हर साल इस प्रकार कराया जाता है और आगे भी हम इसको बढ़ चढ़ कर इसको प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आज बाल शिक्षा निकेतन विद्या परिवार की तरफ से एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी बच्चों के लिए अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं और उनके लिए रेस का गेम है, बैलेंस रेस का गेम है, टग ऑफ वार यानी रस्साकसी, इस प्रकार की विभिन्न स्पोर्ट्स प्रतियोगिताएं करवा करके बच्चों को ब्रॉन्ज, गोल्ड एवं सिल्वर मेडल तथा प्रशस्ति पत्र दे करके उत्साहित किया जाएगा, ताकि भविष्य में भी पढ़ाई के साथ साथ इस विद्या परिवार के बच्चे इसी प्रकार अग्रसर होते रहे। भिवानी के बस स्टैंड पर कर्मचारी खिलाड़ी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में ऑल इंडिया कबड्डी व क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा के सदस्यों द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं रोडवेज निजीकरण के विरोध में क्रांतिकारी प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। ऑल इंडिया कबड्डी व क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले भिवानी डिपो के रोडवेज कर्मचारी और निजीकरण के विरोध में क्रांतिकारी प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा के सदस्यों द्वारा सम्मानित किया गया। बस स्टैंड पर आयोजित खिलाड़ी सम्मान समारोह में रोडवेज कर्मचारियों को गिफ्ट व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान सुदर्शन सरोहा ने बताया कि रोडवेज कर्मचारी जनता की भलाई के लिए कार्यरत है। वहीं सरकार अपने अयल रवैये पर अड़ी हुई है, जो कि सरासर गलत है। कुछ जिलों में, कुछ डिपो में अलग तरह की सरकार ने कार्रवाई करी थी। हमारे यहाँ अक्षर था, वो स्कीम भी था, उन पर सीएम का भी, और जैसे ही नेहरू पार्क से जुलूस यहाँ आया, यहाँ भाषणबाजी हो रही थी साथियों, यहाँ पर कर्मचारियों पर लाठीचार्ज हुआ और गिरफ्तारियां हुई, तो हमारे साथियों को चोट भी आई उससे। आज का जो समारोह है, इसमें हमने निर्णय लिया है कि जो कर्मचारी खिलाड़ी जो सरकार की तरफ से खेल का आयोजन किया जाता है, उसमें कबड्डी में और क्रिकेट में प्रथम स्थान पर आए हैं चार हमारे कर्मचारी हैं रोडवेज के, वो भी हमने इसमें शामिल किए हैं और जनता से हस्ताक्षर करवाए कि हम प्राइवेट बस नहीं जाने देंगे, प्राइवेट परमिट नहीं जाने देंगे। उसको लेकर रोडवेज का तमाम साझा मोर्चा वहाँ जो कार्यक्रम कर रहा है, उस वक्त भी पूर्ण रूप से उस हड़ताल में शामिल था मैं। साथियों, हमें उस आंदोलन से बहुत कुछ सीखने को मिला। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर भिवानी इकाई द्वारा अपनी मांगों को ले शहर के मुख्य मार्गों से प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी कर उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा। प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम दानव ने कहा कि सरकार उनकी लंबित मांगों के प्रति उदासीन है। उन्होंने कहा कि ठेका प्रथा तत्काल बंद की जाए, समान काम समान वेतन और 100 वर्ग गज के प्लॉट सहित सभी मांगे पूरी की जाए। प्रदर्शनकारी सफाई कर्मचारियों को संबोधित करते हुए नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम दानव ने कहा कि सरकार उनकी लंबित मांगों के प्रति उदासीन है, जबकि सफाई कर्मचारी स्वच्छता अभियान में अहम भूमिका निभाता है, उसके बावजूद भी सरकार उनका उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सफाई कर्मचारियों ने रचनात्मक भूमिका निभाई थी तथा उस समय सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता प्रहरी का दर्जा भी दिया गया था, लेकिन आज वही स्वच्छता प्रहरी अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सड़कों पर धक्के
ठेके खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को ठेका प्रथा तत्काल बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ठेका प्रथा किसी योजना को केवल पूरा करने के लिए होती है। जो प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है उसको अमलीजामा पहनाए जाने के लिए स्थायी कर्मचारी बेहद जरूरी होते हैं। वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे अपना आंदोलन तेज करने पर मजबूर होंगे। पूरा हरियाणा प्रदेश में समान काम समान वेतन का एरियल दे दिया गया पूरा नगर पालिकाओं में, और इस समान काम समान वेतन का एरियल को लेकर हम जवाहर यादव जी से मिले, कमल गुप्ता जी से मिले, हमारे डीएमसी मैडम थी जो उससे मिले, और अब हमारे जो डीएमसी साहब आ रहे हैं वह हमने नारेबाजी करे थे, लेकिन इन्होंने भाई मेरे कर्मचारी है किस तरह रोड़े कर रहे हैं, इनसे जाके मिला। और जो पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कर्मचारी जो पक्के करने हैं उनकी कमेटी बनाई है, जिनका अध्यक्ष उपायुक्त महोदय है, आज तक ना तो इन्होंने कमेटी बनाई ना एरियल दिया गया है, और बहुत से शहरों के अंदर रियासी प्लाट दिए जा चुके हैं। और हम ये कह रहे हैं जो सफाई का काम पर जो ठेका पर था जोर शोर से लागू कर लाग रहे हैं, जो ठेका होने प्रोजेक्ट के ऊपर होता है कि भी 2 महीने का हुआ, 3 महीने का हुआ, 4 महीने का प्रोजेक्ट हो गया, लेकिन सफाई कर्मचारी का तो जो काम है वो जब तक दुनिया स्थापित होगी हर जब तक दुनिया रहेगी जब तक सफाई का काम रहेगा, हम ये कहना चाहते हैं कि ठेका प्रथा समाप्त करके महकमे के रोल पर पक्की भर्ती करें और शहर की आबादी के हिसाब से भर्ती करें। क्या आगे क्या हमने कई बार इनसे मिल चुके हैं, आज हमने इनसे खुले चेतावनी दी है, अगर जो हमारी मांगे इन जो समय रहते हुए नहीं मानी गई तो जितने भी निवासी है सूर कुत्ते बिल्ली हम ऑफिस के अंदर ही डालेंगे, जितने भी अधिकारी जो हमारे काम के बीच में जो आ रहे हैं ना उनके निवास स्थान के ऊपर जाएंगे, इसके लिए चाहिए हमने ये जेल भेजो अच्छे हमारे फांसी तो। मुख्य मांग ये है जी कच्चा न तो पक्के करो, उनका पीएफ दो एरियल, और जी मांगे जो पूरी करो, अगर नहीं करी तो हड़ताल तो चल लेगी जी, ठीक है। बाकी तो इनका ऊपर बात है, इनका मंत्रियों के ऊपर कितने दिन की हड़ताल चालू रहेगी, जितने भी 15-15 साल हो गए लग गया ने, बुढ़े तो होवेंगे चलेंगे, उन्हें छटाई पे ला रहे हैं, छटाई पे नहीं लानी चाहिए, चल की 2-2 साल हो चाहे 4-4 साल हो, उन्हें पक्के करो, हम तो यह मांग है हमारी तो जी, किसी का रोजी रोटी ना उसने रोजी रोटी दो, अरे ठेका फरता बंद करो, इसकी यह मांग है हमारी तो, मांग नहीं मानी तो दर्शन कराएंगे जी। और अब चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रोजगार कार्यालय में किया गया रोजगार मेले का आयोजन, 70 से 80 विद्यार्थियों ने लिया भाग। बाल शिक्षा निकेतन स्कूल में किया गया एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन। सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। लंबित मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर उपायुक्त को सौंपा मांग पत्र। आज के अंक में बस इतना ही, अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।